नमस्कार, आज मैं आपको हैंकी से रुमाल से पाउच बनाना बताऊंगी। पाउच मतलब छोटी पर्स। तो वो कैसे बनाई जाती है, चलिए सीखते हैं। ये देखिए, ये मैंने हैंकी लिया है, ये हैंकी है, और देखिए ये कपड़ा है। इसको अस्तर लगाने के लिए इधर से हम इसमें अस्तर देंगे। तो ये देखिए, इसका अस्तर हो गया और ये हैंकी हो गया। तो चलिए इसमें अस्तर कैसे लगाएंगे, सबसे पहले अस्तर लगाते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको, ये अस्तर के कपड़े को थोड़ा थोड़ा मैंने मोड़ लिया। अब चलिए इसकी यहाँ से सिलाई चालू करते हैं। इस जगह से आप ऐसे रख के इस जगह से हम सिलाई चालू करते हैं। आइए, देखिए अब आप ऐसे करके इधर से आप मोड़ के इधर भी सिल दीजिए। ये देखिए, यहाँ तक आप इस तरीके से इधर आप इधर कर ऐसे मोड़ लीजिए इस जगह से। ये देखिए, हमने यहाँ से इस जगह से चालू किया, ये देखिए यहाँ तक मैंने सिल लिया। अब इसी तरीके से आप ऐसे करके मोड़ लीजिए ऐसे करके, और कपड़ा मोड़ के इस तरीके से इधर की और यहाँ से यहाँ की सिलाई कर लीजिए। ये देखिए से इसकी चारों तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसको दबाने के लिए इसमें हम यहाँ से हमको सिलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिलाई करेंगे तभी कपड़ा दबेगा। तो पहले इसको नाप लेते हैं। ये देखिए 9 है, तो ये 9 इंच है, तो इसको आप 3 इंच और 3 इंच पे निशान लगा लीजिए। देखिए 3 पे मैंने ये निशान 3 पे लगा दिया है, और ये देखिए ये भी 3 इंच पे ये निशान लग गया। अब आप इधर से नाप लीजिए, ये भी देखिए 9 है, तो इस पर भी आप 3 इंच, और ये देखिए ये 3 इंच पे ये आप निशान लगा लीजिए। इसी तरीके से आप इधर का भी ये सिलाई देने के लिए इधर से आप और इस तरफ से ऐसे करके ये लीजिए, ऐसे करके आप निशान लगा लेंगे तो सिलाई डालने फिर आराम रहेगा। तो चलिए आप पहले ये सिलाई डाल लेते हैं। ये देखिए मैंने निशान लगाए हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले ये सिलाई डालेंगे, फिर उसके बाद ये सिलाई डाली जाएगी, फिर उसके बाद इस तरफ से डाली जाएगी, फिर इस तरफ से डाली जाएगी। तो चलिए पहले ये सिलाई हम डालते हैं। अब देखिए इसी तरीके से इधर डालेंगे सिलाई। ये देखिए, ये दोनों तरफ सिलाई हमने ऐसे ऐसे करके डाल दिया है। अब देखिए ये दो निशान लगे हुए हैं। अब हम पहले सिलाई इधर की करेंगे, फिर उसके बाद इधर की करेंगे। अब चलिए इधर की करते हैं। ये देखिए इधर पड़ गई है। आप देखिए इधर डालते हैं सिलाई। ये देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो गई है, चारों तरफ से हमने सिलाई डाल दी है। ये देखिए सिल के कंप्लीट हो गया, इसमें कपड़ा थोड़ा सा दब गया है।
अब इसको आप ऐसे करके पलट दीजिए। अब इसमें यहाँ पर चैन लगाई जाएगी, ये देखिए यहाँ पर चैन लगाई जाएगी। तो इस चैन के लिए ये दो पट्टियाँ निकाली जाएंगी। पहले ये देखिए, ये नीचे अस्तर लगा हुआ है और ये पट्टियाँ हैं। इन पट्टियों को ये चैन के बराबर की काटी जाएंगी। कटी हुई पट्टियाँ हैं चैन के बराबर से ही, तो अब इनकी पहले मैसेज से करके सिलाई कर देंगे। सिलाई करके इनको पलट देंगे। पलट देंगे तो इसमें बीच में चैन लगा दी जाएगी। एक तरफ इधर लगेगी, एक पट्टी में इधर चैन लगेगी। तो पहले पट्टियाँ सिलते हैं। पट्टियाँ सिलने के बाद तब इसके बाद इसमें चैन लगाते हैं, तब ये इसमें लगाई जाएगी। ये देखिए आप, ये अस्तर का है और ये उल्टी तरफ से आप पट्टी रख लीजिए ऐसे करके, और ये यहाँ से लेके इस तरीके से आप ऐसे करके सिल लीजिए। ये देखिए मैंने इस तरफ से कंप्लीट कर ली है। अब ऐसे ही इस तरफ से भी इसी तरीके सिलाई इस तरफ भी कर ली जाएगी। तो ये देखिए मैंने ये दोनों तरफ से ये पट्टी मैंने सिल के कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही इस तरीके से रख के, और ये दूसरी पट्टी की भी सिलाई दोनों कपड़े बराबर करके इधर से और इधर से दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो चलिए इसकी भी सिलाई करते हैं। ये देखिए, ये दोनों पट्टियाँ दोनों तरफ से सिल के कंप्लीट हो गई हैं। अब इनको पलटना है। तो ये कैसे पलटेंगे, तो देखिए ऐसे करके आप सुई धागा लीजिए और इसको ऐसे करके ऐसे कपड़े को फंसा लीजिए, और इसको सुई को यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे उल्टी तरफ से सुई को ऐसे करके डाल दीजिए, तो जल्दी आसानी से पलट जाएंगी। ये देखिए, ये सुई इधर से निकाल ली और ये कपड़ा जो है ऐसे करके देखिए मैंने पट्टी ये देखिए पलट गई है। अब आप यहाँ से कट कर दीजिए ताला। ये पट्टी मैंने पलट दी है। अब इसी तरीके से इस पट्टी को भी हम पलट लेंगे। ये देखिए, ये मेरी दोनों पट्टियाँ कंप्लीट हो गई। इनको मैंने दोनों को पलट दिया है। अब देखिए इसमें चैन लगाते हैं। तो चैन ये देखिए मैंने ये सीधी है और मैंने इसको उल्टी करके चैन रखी है। अब देखिए इसको ऐसे करके रख के यहाँ से हम सिलाई इसमें लगाते हैं। चलिए सिलाई लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए हमने यहाँ से चालू करा, यहाँ तक मैंने सिल लिया है। अब देखिए इसको यहाँ से ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम चैन को इसको ऐसे करके सीधी तरफ से पलट देंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से फिर से मशीन चला देंगे। आप बराबर से करते जाइएगा और ये दीजिए। ये देखिए एक तरफ से ये चैन कंप्लीट हो गई है। अब चलिए इसी तरीके से हम इसमें दूसरी तरफ से चैन लगाते हैं। ये देखिए इधर से कंप्लीट हो गई है। अब इसको ये साइड इसमें सिलना है, तो आप इसको ऐसे करके पलट लीजिए, ऐसे करके इस तरीके से आप पलट लीजिए। इस तरीके से यहाँ से ऊपर से इस जगह से रख लीजिए और यहाँ से ये देखिए इधर से हम सिलाई करना चालू करेंगे।
ये देखिए, अब यहाँ से सिलाई इस जगह से चालू करते हैं। इसको आप कपड़े को बराबर से करते जाइए। यहाँ तक आप इसको यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। अब इसी तरीके से आप इसको ऐसे करके मोड़ दीजिए, जैसे ये मोड़ा था ऐसे मोड़ के। ये देखिए ये चैन, ये देखिए मैंने ये पट्टियों पे लगा के इसको चैन कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए चैन कंप्लीट हो गई है। अब इसको इसमें इसमें ऐसे रख के, इसको ऐसे करके इस तरीके से इसमें ऐसे करके इसको सेट करेंगे। यहाँ से इसमें सिलाई कर देंगे, हैंकी में इसमें सिलाई कर देंगे। ये बीच में चैन हो जाएगी। ये देखिए ये सिलाई करके इस तरीके से आ जाएगी। फिर यहाँ साइड में सिलाई करेंगे, तभी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए मैंने सेट कर लिया है। अब चलिए इधर का पार्ट, इस तरफ की सिलाई पहले चालू करते हैं। ये देखिए ये सिलाई यहाँ से आप चालू करिए। अब देखिए इधर के मैंने सिल लिया है। ये देखिए अब आप इसी तरीके से इस तरफ से ऐसे करके इस तरफ से आप सिलाई करके इधर भी पूरा करके इस तरफ भी जोड़ लीजिए। ये देखिए ये दोनों तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब चलिए इसको पलट लेते हैं। ये देखिए इसको मैंने पलट लिया है। ये देखिए पलट लिया। अब इसके साइड में कपड़ा लगाने के लिए ये देखिए मैंने दो गोल पट्टियाँ तैयार करें। ये कपड़े इधर साइड में लगाने के लिए मैंने तैयार किया है। तो अब इसको पहले नीचे जो अस्तर है तो इसको चारों तरफ से सिलाई करके इसको, ताकि कपड़ा खिसके ना, सिलने के समय उसमें कोई परेशानी ना आवे, तो इसको चारों तरफ पहले सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। मैंने ऐसे ये देखिए ये मैंने अस्तर लगा के इनको दोनों को किनारे किनारे यहाँ से सिल लिया, ताकि कपड़ा इसमें आपस में दोनों कपड़े बराबर हो जाए। ये देखिए इसको भी मैंने तैयार कर लिया। ये दोनों तरफ लगेंगे। ये देखिए ये पट्टी लगेगी इस जगह, पट्टी ये पकड़ने वाली, ऐसे करके ये भी लगानी पड़ेगी। तो चलिए पेन से निशान लगा लिया इधर। ये देखिए निशान इधर से लगा लिया दोनों तरफ से। अब चलिए इसको हम ऐसे उल्टी तरफ से रख के, ये देखिए ये दोनों पट्टियाँ ऐसे कर लेंगे और इधर से रख के इस जगह से रखें। और देखिए चैन का ये निशान है, तो यहाँ चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। ये थोड़ा चैन और खोल लीजिए थोड़ी सी, तो सिलने में आराम हो जाएगा। ये देखिए अब चलिए सिलाई करते हैं। ये दोनों पट्टियां आप इसकी ऐसे करके बराबर से रख लीजिए।
ये ऐसे दोनों चैन के देखिए ये आप ऐसे करके बराबर कर लीजिए, तब इसके ऊपर से सिलाई करिएगा, और नहीं तो वो आपस में अलग दूर दूर चैने हो जाएंगी। ये देखिए ये सिल के कंप्लीट हो गया इस तरफ का। इधर से आप ऐसे करके ये देखिए, ये देखिए ये मैंने सिल के इधर तरफ से कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए डोरी लगा दी है, ये लग गई है, और अब आप ये चैन ये देखिए इधर बंद। अब आप इतनी चैन खोल के इस तरफ से इसको भी ऐसे ही पेन से निशान लगा के ऐसे निशान लगा लीजिए एक तरफ ऐसे करके, और इसको भी यहीं से रख के, और देखिए यहाँ से मुझे लगाना है ये चैन का, ये है इस तरफ से लगाना है। अब आप इसको भी ऐसे ही करके ऐसे करके इस तरीके से इसको भी मशीन में इस तरीके से चलिए हम लगा लेते हैं। ये देखिए ये दोनों तरफ से बन लग के, देखिए मैंने कपड़ा लगा दिया इधर तरफ से, ये दोनों तरफ से लग के कम्प्लीट हो गया है। ये हैंकी से बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीके से आप घर में इसको बना सकती हैं। अभी देखिए इसकी चैन है, और ये पेंसिल बॉक्स वगैरह है, ये पेंसिल है पेन वगैरह, चाहे आप इसको पेंसिल बॉक्स बना सकती हैं, इसमें आप रख लीजिए, या आप इसमें ये दूसरी तरीके से मेकअप बॉक्स भी, इसमें मेकअप का सामान भी आप रख सकती हैं। ये दो तरीके से आप इसको यूज कर सकती हैं, और आप चैन बंद का आराम से सामान आपका सुरक्षित इसके अंदर है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बना सकती हैं एक हैंकी से बना हुआ। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।